आज हम देखेंगे डिजिटल थर्मो हाइग्रोमीटर जिसका मॉडल नंबर है KM918A। इसके साथ आता है ये एक मेन बॉडी, एक टेस्ट सर्टिफिकेट और एक यूज़र मैनुअल। अब हम जाएंगे बॉडी के पास। तो ये बॉडी है, सिंपल है, जो डिग्री सेल्सियस में दिया है वो है टेम्परेचर और परसेंटेज में दिया है वो है ह्यूमिडिटी और ये है टाइम जो भी बचे है। अब हम जाएंगे बटन्स पे। इसे लगता है एक सिंगल ट्रिपल ए बैटरी जो यहाँ है। अब हम जाएंगे बटन्स पे। तो ये है मोड बटन या सेट बटन। तो ये मोड बटन है, ये एक तो पहले ये टाइम दिखा रहा है। अब मैं मोड बटन एक और बार दबाऊंगा तो ये अलार्म के ऑप्शन में जाएगा। अगर ये मोड बटन मैंने लॉन्ग प्रेस किया तो ये मुझे अलार्म सेट करने के लिए बोलेगा। मैं ये वापस दबाया तो ये अलार्म, मैं एक और बार दबाया तो ये टाइम पे आ गया। अब मैं जाऊंगा इसके वापस, मैं ये मोड बटन लॉन्ग प्रेस करूंगा तो अब मुझे ये टाइम सेट करने के लिए ऑप्शन दे रहा है और मुझे टाइम जो आगे बढ़ाना है वो मैं ये एडजस्ट बटन से बढ़ाऊंगा। वैसे मैं वापस मोड बटन बताऊंगा तो ये चेंज हो गया, मैं वापस ये एडजस्ट बटन से सेट कर रहा हूँ। अब मैं जाऊंगा एक और बार ये मोड बटन दबाऊंगा तो ये मुझे 12 आवर्स या 24 आवर्स का ऑप्शन देगा। फिर मैंने एक और बार दबाया तो ये मुझे डेट सेट करने के लिए ऑप्शन देगा, ये है कौन सा मंथ, 7 मंथ, और ये डेट कौन सा चालू है, जो भी हो। तो सेट बटन से मैं सेट कर सकता हूँ। वापस ये मोड सेट बटाया तो ये बैक टू नॉर्मल। ये हो गए ये दो बटन्स के फंक्शंस। अब मैं जाऊँगा मैक्सिमम मिनिमम को। मैक्सिमम यानी जो दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम ह्यूमिडिटी था वो ये बटन दबाएंगे तो डिस्प्ले पे आएगा। वापस मैं एक और बार ये बटन दबाऊँ तो मिनिमम टेम्परेचर और मिनिमम ह्यूमिडिटी डिस्प्ले पे आएगा। ये हो गए और मैंने वापस बटन दबाया तो ये बैक टू नॉर्मल। और क्लियर बटन है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में, जो मैक्सिमम मिनिमम था वो क्लियर करेगा।